हेलो, जैकी बोल रहा हूँ। सुन, 3 नंबर घोड़े पे 10,000 लगा। हाँ, लगा दे 10,000, बिंदास। हेलो। पहचान कौन? अरे यार, कब फोन करना बंद करेगी? खैर बता, क्या बात है? कुछ नहीं रे, ऐसे ही। ये बंटी किधर है तुरे? मल्लिका बगावत के घर पे। अरे काय को फोन किया? क्यों, उधर झाड़ू लगाने को गया था क्या? देख, मेरा दिमाग मत फिरा, समझी क्या? हाँ, फिर आएगी तो क्या कर लेगा रे तू? हाँ बोल। ए, अपुन से ऐसा बात नहीं करने का। हाँ ए, क्या रे, चल। हाँ कुत्ता। ये हाईटेक तिजोरी है बंटी, वो भी इंफ्रारेड रेस के साथ। इसे खुलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हे, सुन रहा है ना? 3 नंबर घोड़े पे मेरा 10,000 नहीं, 1,00,000 लगा। यार जैकी, अपनी समझ में नहीं आता है कि तू इंसान है कि घोड़ा। अरे कभी इंसानों पे तो नजर डाल, कुंवारा होने का फायदा क्या? टाइम कम और लड़कियां कदम कदम। देख बापू, मैंने तो फैसला कर लिया है, फिल्टर करके सिर्फ अमीर लड़कियों को पटाने का। आइटम तो अपनी हो जाएंगी और उसके बाप का माल भी। गुड, तो मैं सही बोला ना? थोड़ा और। ए, अभी नहीं। हाँ, और तेज, और तेज, जाओ जाओ, और तेज, और तेज, थोड़ा और, और तेज। साला का था, फिर से हार गया। तू ऐसे मरेगा। चल तिजोरी खोल। खुला है रे, पहले क्यों नहीं बताया? ये क्या, बस इतना ही? मैंने जी, अगर आप इसी तरह टांगों को जोड़े रखेंगे तो बच्चा बाहर कैसे आएगा? थोड़ा टांगों को फैलाइए ना। क्या रे, ये क्या है? अब भाई, ये भी कोई चुराने की चीज है? हाँ, जुलाब की गोलियां, वो भी 2 रुपए की 10। खाली फुकट का टाइम वेस्ट। अगर चुराना ही है तो हाँ, ये वाली दवाई चुरा। 1 शीशी की कीमत 1,000 रुपए है। गंजों के सिर पर बाल उगाती है। घबराइए नहीं मेरी जी, कुछ नहीं होगा। और लगाना है, जोर लगाओ, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। ये रहा आपका नन्ना मेहमान। बोलो, काम हो गया गुरु? हम नीचे आ रहे हैं। ओके, पीछे से बाहर आना। हम 2 आगे से ही आएंगे। चिरकुट कहीं का। ठीक है, जो जी में आए वो करो। लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। कैसा लग रहा हूं? 2 आदमी, 1 पेट से और 1 पीठ से। खुद ही सोचना तो कैसा लग रहा होगा। रुको तुम दोनों, तुम चुप रहो। डॉक्टर का बड़ा पेट नहीं हो सकता क्या? हाँ, हमको सीधी तरह से जाने दो। हेलो कंट्रोल। हेलो डॉक्टर, क्या एक इमरजेंसी आ गई है? चल निकल। तू वहां से जा, मैं यहां से जाता हूँ। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। सॉरी सर। तीन पे क्यों नहीं लगाया? आ,
तुम कौन हो? निकोल है भाई। ये तो चड्डा है। ओ, मुझे माफ करना, मैं जग्गी को देखने आया था। तू मेरी जैकेट पे बैठ रहा है। आ गया, आ गया। मुबारक हो मोना जी, कितना तंदरुस्त है, पूरे 10 पाउंड का है, देखिए बिल्कुल आप पर गया है। और इसकी माँ? एकदम फेट, सब कुछ ठीक से हुआ, आप खुद ही मिलीजिए। मिनी, कैसी हो तुम? देखो कितना प्यारा है ना, बिल्कुल मुझ पर गया है। तुम थक गई होगी ना, तुम्हें आराम करना चाहिए। लव यू जान। ओ देखो ना कितना प्यारा है। किधर गया वो? उस तरफ से चलिए, उस तरफ से चलो। रॉकी, मैंने क्या कहा था तुमने मुझसे कि शादी करके हम लंदन में रहेंगे, याद है ना? यही कहा था ना तुमने मुझसे? और अब तो हमारा बेटा भी है। तुम्हारा नहीं, करण का बेटा है। मेरी शादी करण से हो चुकी है। मजाक कर रही हो ना तुम? मेरे बेटे को दे दो, देखो मुझे वो वापस दे दो। मैं वो ये मेरा बेटा है। तुम चुप बोल रही हो, ये मेरा ही बेटा है। लपू भाई, आखिरी रेस में 6 पे लगाना, जीत जाओगे। क्या? ये तो मेरा ही है। मेरी बात सुनो, देखो पागलपन मत करो, हट। पहले मिली को छीन लिया, अब इस बच्चे को छीनना चाहते हो? नहीं दूंगा मैं बच्चा। हट जाओ मैं कहता हूं, हट जाओ। बच्चे को तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पीछे हटो, प्लीज हमारी बात मान लो। मैं नहीं, तुम मेरी हो, ये बच्चा हमारा है, चलो। तुम पागल हो, मेरा बच्चा दे दो। ये हमारा बच्चा है, चुप हो जाओ, रोना बंद कर। देखो चलो मुझे बच्चा, ठीक है, ले उसका टावल। कमाल कर दिया, बहुत खूब, लगे रहो। सब लोग नीचे हैं। अरे सारी दवाइयां गिरा रहा है, चल चल जल्दी चल, छोड़ छोड़। पहले वायग्रा की बाटली भी गिर गई। चलो चलो जल्दी चलो। अरे मेरे साथ
कितने आदमी बैठ सकते हैं? इसमें कहाँ बैठेंगे, ये तो बच्चों। अबे मैं पूछा कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? नहीं सर, ये बच्चों का खिलौना है, इसमें कहाँ बैठेंगे कोई। टेंशन मत लीजिए, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। मेरी नजर तो इस पे है। ये लीजिए, बिल बना दीजिए। खुल जा सिमसिम, खुल गया। अगर बाल तक को महसूस कर सको तब तो तुम माहिर हो। पर भला बाल को कौन महसूस कर सकता है? यहाँ कुछ नहीं, बस इतने ही है। अबे ये तो देख, बड़ी महंगी चीज लग रही है भाई। ये लो, अफ्रीका के नरम अखरोट 100 से भी ज्यादा है। आज भी असली चीज ले आए हो, ये लो इसका पैसा। अगली बारी आपकी, आप किस पे लगाएंगे? चालीस हजार छुट्टी भी रख लो। क्रेडिट कार्ड नहीं है क्या? ये तो इसकी टिप है। क्रेडिट कार्ड है, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये तो वोटर आईडी कार्ड है। जानता हूँ, मेरी तो बात लग गई। मिल जाएगा। देखते गुरु, ऐसा क्यों? तुम पैसे फ्रिज में क्यों रखते हो? बताओ तो सही। हेलेन, ये फ्रिज नहीं तिजोरी है। जान, हमने अपना बच्चा 20 साल पहले खो दिया। आप उसकी याद में खुद को इतना मत बुलाओ। बस क्या डार्लिंग, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो और क्या है तुम्हारे लिए, देखती जाओ। ये लीजिए ना, खुशबूदार है, सेंट वाला टिश्यू है, प्लीज लीजिए। दादा, अपुन को डायरेक्ट तेरे से ही बात करना था, तेरे इन पालतू पंटरों से नहीं। ये साले काटने को दौड़ते हैं, खासकर ये दोनों। दादा, जानता तेरे से अपुन लोन क्यों लेता? क्योंकि तेरे में दया है, तेरे में माया है, बोले तो विनम्रता है। और हाँ, स्मार्ट भी तो है। और तो तू कितना हैंडसम भी है। अब सुन, तेरे एक एक पैसों की अपुन फुल एंड फाइनल पेमेंट करेगा 100 किश्तों में, ठीक है? अबे तू क्या अपुन को मामू समझ रहा है क्या? पैसा अभी चाहिए। वहीं रुक जाओ पटा दादा, वरना मैं नीचे कूद जाऊंगा।
कूद जा। अपुन तो मजाक कर रहा था। दादा मैं टपक गया तो तेरा पैसा कैसे मिलेगा? अरे देखते जा पैसा कैसे निकालता हूँ। छोड़े उतार इसका वीडियो। रुको रुको, अपुन को थोड़ा टाइम दे दो, तेरा सारा पैसा चुका देगा, फिर तू अपुन पे हंस लेना। अरे वाह, तेरा टाइम खत्म हो गया है और अपुन का शुरू हो गया है। समझ, तूने पैसा चुका दिया। अब मार कुदी। ओ, मान जा ना दादा। मान जाओ? नहीं मामू, समझा है क्या? फुदक रहे ला जाने। अब तू नहीं फुदकेगा। अब पैसे चाहिए तो नीचे आ। पैसे नहीं, तू चाहिए। भाग ले चूजा, लेकिन तू छिपनी पाएगा। अरे भाई क्या कर रहे हो आधी रात को? क्या हो रहा है? मैं एसी की तैसी कर रहा हूँ। चल हवा दे, जान दे। ए बॉस, पुलिस आ गई। हाँ चल गली मार। कैसे हो जैकी? अरे इंस्पेक्टर साहब, कितने दिनों बाद, कहाँ थे आप? आखिर तुम कब सुधरोगे? हाजिरी देने क्यों नहीं आए? हाजिरी कब थी? भूल गए? कौन से थाने में थी? मेरे थाने में। चलो हाथ दो, थाने चलना है। हथकड़ी जरूरी है क्या? बिल्कुल। छत से कूदना जरूरी था क्या? तो मेरे डैड से भी ग्रेट हो। अरे मैं तो उनके पैर की जूती भी नहीं हूँ। तुम्हारे डैड एशिया के सबसे बड़े रईस हैं। उनके आगे इस गरीब की क्या औकात, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। मेरे को भी खुशी होगी जाने मन। कितने अच्छे हो तुम। अरे हाँ, मेरे को याद आया, मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल आया। ए रिया, रिया रुक, उसे जाने मत देना। ए रिया रुक रुक रुक, ये सब क्या है और ये तूने क्या पहना हुआ है? तेरा दिमाग फिर गया क्या? और क्या चिकन का माफिक तू कपड़े पहन के आई है? देखो दिखता नहीं मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ? देखो जासूस बनना है तो बन, चिकन नहीं। बस हो गया, मेरे को तलाक चाहिए। ये मेरा यूनिफॉर्म है। मालूम है ये तेरा थकेला यूनिफॉर्म है। मुझे रीटा ने बताया तुम यहाँ हो तो देखने आ गई। मेरे साथ लड़की देखी और जासूसी शुरू। अरे क्लाइंट मर्द भी होते हैं और औरतें भी। भरोसा नहीं है तो दे दे तलाक। एक महीने से तुम्हें देखा ही नहीं था तो। अरे बस कर रे, जल्दी शादी करके बहुत बड़ी भूल किया मैं। जिंदगी की वाट लग गई मेरी, घुटन होने लगी है मुझे। डिवोर्स चाहिए मुझे। I'm sorry. काय का सॉरी, नसीब तो अपना ऐश खराब है। पहला तू खुद को सॉरी बोल। मेरे पीछे क्यों अपनी लाइफ खराब करती है? मस्त पढ़ाई बिढ़ाई कर, अच्छी सी नौकरी ढूंढ। अरे जिंदगी में कुछ कर और मेरा पीछा छोड़। तू अपनी आजादी के बारे में सोच, खुद का सोच और मेरा भी। मेरे गले से अपना फंदा निकाल, अभी बहुत हो गया। बस इतना कहना था, मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या क्या? मां बनने वाली हूं। मां बनने वाली है? पर अपुन कब तेरे को? उस रात जब नशे में धुत घर आए थे तब। अरे अगर मैं उस रात नशे में था तो तूने मुझे लात मार के हकाल क्यों नहीं दिया उधर से? देखो मैं कॉपरेट करने के लिए जबरदस्ती किया था क्या? बैंड बजा दी मेरी। रिया मेरी बात सुन, अपन को बच्चे लोग के साथ नहीं जमता है। मैं बच्चे लोग को संभाल नहीं सकता है ना, और देखो भी तो अपना फ्यूचर बनाने का है ना। अब मेरी बात सुन जान, जो हो गया सो हो गया। अच्छा बता, 3 महीना ही हुआ रहेगा ना? तो ठीक है, टाइम खोटी मत कर, सरकारी अस्पताल में जाके अबॉर्शन करा ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे भले के लिए बोल रहा है क्या? आई लव यू। चल अभी कल्टी जल्दी। ए रिया सुन, तू ऐसे होली में पैदल कैसे जाएगी? बस पकड़ लेना।
चलो अंदर। सीधे सीधे बताओ जैकी कहाँ है? मर चुका है वो। चाचा आप गुस्सा मत कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पेंटिंग करेंगे और फोटो खींचना है बस। है बस आप अपनी खिड़कियां बंद रखें थोड़ी देर के लिए, हैं बाकी हम संभालेंगे, हैं। गुड बाय। हे जैकी। ओ डैड से मिलने आए हो? हाँ। चलो चलो कर्जा चुका। आप आगे चल दिए बहन जी, हम लोग बस थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अहम माफ कीजिए पेंट के लिए है। करेगा मेरे घर वालों को परेशान। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पैसे नहीं मिले तो हम क्या करते हैं? बॉस का हुक्म था। सुन बे शाने, पैसे मिलते ही चुका दूंगा, पर घर वालों की तरफ देखा तो आंखें फोड़ दूंगा, समझ गए? समझ गया। ले जा रहे इसे। हाय, कैसे हो तुम लोग? हाँ सब लोग इधर ही है। हे बच्चा पार्टी, क्या देख रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, ये सब तुम लोगों के लिए है, जो भी पसंद हो ले लो। ओ, और ये खास तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए ये खूबसूरत सा गिफ्ट, और ये पैकेट तुम्हारा, और ये है हीटर, और डैड ये आपके वास्ते, अपुन आपके लिए मसाजर लाया है, वो आपकी पीठ बहुत ही। क्यों आया है यहाँ? तुम मर क्यों नहीं गया? क्या डैड, अपुन इतना जल्दी थोड़ी ना मरने वाला है। क्या लेने आया है, चला जा यहाँ से। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? मेरे लाड प्यार में कौन सी कमी रह गई कि तू ऐसा निकम्मा और नालायक निकला? सोचा था डॉक्टर बनेगा लॉयर बनेगा, पर तू तो एक चोर बन गया, चोर। अब अपन डॉक्टर लॉयर नहीं बना तो अपन की क्या गलती है? अपना बैड लक ही साला खराब है। हाँ लेकिन अपन जो करता है उसमें अपनी मास्टरी है। वो तेरी माँ तुझे खिलाने को खुद भूखी रही, पैसा बचाया, तुझे स्कूल भेजा, और उसका सिला तुमने ये दिया हमें, हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? आपने जो भी चाहा मैंने वो किया। क्या किया है? हाँ, बस नौकरी नहीं की। तुम क्या करोगे नौकरी? अरे सब कुछ तो है अपन के पास, क्या कमी है? हाँ कमियों की कमी नहीं, किससे कर्ज लेके बैठे हो तुम? तुम एक चोर हो, चोर। देखिए मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। तू और बिजनेसमैन, क्या बिजनेस है तेरा? बताऊँ क्या क्या करता होगा तू, हैं? चोरी, जुआ, लूटपाट, सुपारी, कुछ भी नहीं छोड़ा, गुंडा है तू एक नंबर का। चुप रहिए, अभी तो कहते थे पैसा कमा के दिखा। चुप हो जाना भाई, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, पैसे छाप रहा हूँ, सबके लिए तोहफे लेकर आया हूँ, इतना सब कुछ किया इसलिए आपको मिर्ची लग रही है। मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो। ओहो, ईमानदारी से पैसे नहीं कमाए जा सकते, ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये चोरी की कमाई, इसी वक्त ये सब लेकर निकल जाओ मेरे घर से। सब चोरी का माल है, हटाओ यहाँ से, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ चोरी का माल। आपको फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। इसे काय को रखा है? फेंको, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। तू मेरा बेटा नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं। आज तुम्हारा कदम नहीं रखा तो मेरी लाश मिलेगी। कसम चुकाऊँ, कसम चुकाऊँ, कसम चुकाऊँ, ये ले, ये ले, पैसा कोई उड़ा कर ले गया। कोई बात नहीं, हमारा मुन्ना तो सलामत है ना? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? मुन्ना चले। मेरा पैसा, मेरी पूंजी।
हेलो गुरु। हाँ बोलो अंकल। एक बहुत बड़ा काम है, पर काम थोड़ा अलग है, करना चाहोगे? हाँ हाँ करूँगा, कोई भी काम हो। क्या बॉस, तेरा सारा पैसा मैं क्लियर करता हूँ, तू फिलहाल ये रखना अपने पास। देख मैं तेरे को और भी पैसा दूंगा, लेकिन तू मेरी बात तो सुन। अरे तू ये चाय पानी तो रख, मैं तेरे को और भी रख। अपनी गाड़ी की आरती उतार साला डेढ़ फुटिया, तेरे सारे बच्चे भी डेढ़ फुटिया होंगे, बाहर मिला तो खर्चा पानी दूंगा। भिखारी साला, चल चल। बंटी, क्या तुमने मेरी तिजोरी खोली? वो साला जैकी कहाँ आने वाला है कि नहीं? एक काम आया है जो काफी बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा कि करें कि ना करें। तेरा प्रॉब्लम क्या है रे? तू नया सूट पहन के पुताई करने के लिए गया था, सूट की वाट लगा देना। हे जैकी, क्या तुमने मेरी तिजोरी? मेरा सूट खराब हुआ है ना, तेरे बाप का क्या जाता है? तू अपना काम कर, टांग मत अड़ा बीच में। बोलो क्या बात है, क्यों बुलाया हमें? एक बड़ा काम मिला है, पर एक कंफ्यूजन है। कैसा भी काम हो, कोई भी काम हो, मैं करूंगा। हाँ हाँ, काम जरा अलग किस्म का है, पर इसके 20 करोड़ मिलेंगे। 20 करोड़? सच्ची बोले क्या? हाँ हाँ, इसके 20 करोड़ मिलेंगे। पर अरे 20 करोड़ के लिए तो अपन वो जरा करने को भी तैयार है। चल अभी चला, मजा आ जाएगा। चल 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 जल्दी चलो, चल फटाफट चल। अरे चल रे, 20 करोड़ तो केबीसी में भी नहीं मिलता बापो। मुझे उतरने दो। आपको साथ नहीं आना चाहिए था। नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। अरे गुरु, ये इतना सारा झमेला काहे को? अभी जान जाओगे, मेरे लिए दरवाजा खोल के रखना, मैं यहीं रुकता हूँ। सोना होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, बस इतना ही पैसा है। क्या बकवास कर, धीरे बोल। गुरु कहाँ है? ओ, लगता है उसे दूसरी तिजोरी मिल गई है। हाँ, ये तो वही हॉस्पिटल वाला बच्चा है। इसके दादाजी के पास ले जाना है। कौन से दादाजी? तू जाकी रुक, और तू भी, तू बात तो सुन। क्या पिलाया इसको? कुछ भी नहीं।
कोई चोर घुसाया है। अंकल काम हो गया, कहाँ ले आओ ग्रेन हिल। तुम्हें याद है हमारे बीच कुछ तय हुआ था, कुछ उसूल बनाए थे, हम किडनैपिंग नहीं करेंगे, मर्डर नहीं, किसी को धमकी नहीं देंगे। अरे ये उनका फैमिली मैटर है, बच्चे का रिश्ता कंफर्म करने के लिए इसका ब्लड टेस्ट करेंगे और अपना 20 करोड़ अंदर। और तुमने उसे क्या पिलाया? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ी सी अफीम सुलाने के लिए। क्या अफीम थी उसे? दिमाग खराब हो गया है, उस मासूम को कुछ हो गया तो। चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, तुम्हें ने सिखाया था ना हमें। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन उसूलों को हालात देखकर बदलना पड़ता है। पर तुमने बताया काय को नहीं कि बच्चा किडनैप करने का है? बताने की कोशिश तो की थी, पर 20 करोड़ सुनकर तुम लोग पागल हो गए थे। कितनी कोशिश की थी मैंने बताने की तुम लोगों को, पर बोलने दो तब ना। मरो तुम लोग, मैं तो चला। कहां जा रहे हो तुम? बच्चे को लौटा। ऐसा नहीं कर सकते, हमें हमें पैसों की जरूरत है। तुम्हें जरूरत है और तुम्हें भी। हाँ बोलो, है कि नहीं? बोलो तुमको पैसा चाहिए कि नहीं? मेरे बिना तुम कहां होते? कहीं नहीं। और तुम्हें चोरी करना किसने सिखाया? और तुम्हें भी, मैंने ही तुम दोनों को सिखाया है। तो प्लीज, तुम जो जानते हो मेरी बीवी पागल है और मैं भी अंधा होने लगा हूँ, अब ठीक से देख नहीं सकता, मजबूर हो गया हूँ। प्लीज सिर्फ इस बार मुझे अभी यूं आधे में तो छोड़कर मत जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, पूरा बर्बाद। मेरा पैसा चोरी हो गया है, वो सारा पैसा जो मैंने कमाया था सबका सब गवा दिया, 2 करोड़ सबका सब गया। तो दोगे ना मेरा साथ? बोलो मेरा साथ दोगे ना? तुम बताओ, मैं बर्बाद हो गया, पूरी तरह बर्बाद। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। मैं क्या करूं, कहां से लाऊं पैसा? समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। पैसा चाहिए मुझे, किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। गुरु मुझे गाड़ी में बैठ जाओ। मेरे पास मेरी स्पोर्ट्स कार होती ना तो तुम्हें दिखाता। अरे चल ना, फोकट में अड़े आ रहा है। साले तेरे को भी ओवरटेक करने दिया तो लानत है मेरे ऊपर। गाड़ी में बच्चा है, संभल कर चला यार। पागल बन मत करो, जाने दो उसे। अंकल क्या हुआ? तुम पहुंच गए क्या? नहीं, और तुम? बस 5 मिनट, एक कुत्ता आगे निकलने नहीं दे रहा है। हमको भी यहाँ एक कुत्ता सता रहा है। ज्यादा लेट मत करना गुरु, पार्टी वक्त की पाबंद है। हम वक्त पे पहुंच जाएंगे, तुम आगे वाले कुत्ते को संभालो। तुम दिखा मेरे को आगे निकल के। संभाल लूंगा, ऐसे कुत्तों से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। बोलिए, वो बच्चा कब्जे में आया कि नहीं? बाकी सब जाए भाड़ में, मुझे सिर्फ वो बच्चा चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, बाहर आइए। लफड़ा हो गया ना, अब हम सब भुगतेंगे। बहुत बड़ा लफड़ा, एक तो स्पीड ज्यादा थी, ऊपर से लाइसेंस भी नहीं है। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? हमारे धंधे में लाइसेंस से क्या लेना देना? लेना देना है क्योंकि मामला चोरी का है। चलो अदला बदली करते हैं।
बॉस का हुक्म है, हमें सिर्फ बच्चा चाहिए, जो भी बीच में है उसे उड़ा दो। तो इसे रख लो अपने पास। सर चूसो मत, भूको प्लीज। सर जरा गाड़ी का कांच नीचे करेंगे आप? ओपन द विंडो। थैंक यू सर। सर जरा वो बैग खोल कर दिखाएंगे क्या है अंदर। वो बैग क्या? वो बैग खोल कर दिखाएंगे। ये बैग? हाँ वो खोल कर दिखाइए। अभी? हाँ अभी। सर मैंने कहा मुझे वो बैग दिखाइए। पीछे पीछे ले पकड़े जाएंगे, हमारे पास गन है। यस बाप ले जाएंगे सबके साथ। अरे वो क्या बाकी पता नहीं चले हो अभी चलो भाग भाग चले। अरे जा निकल जा यहां से खिसक। यहां इतना अंधेरा क्यों है अंकल? बत्ती तो जला। लाइसेंस किसने दिया तुम्हें? बच्चे को देखो, बच्चा तो ठीक है ना? हाँ हाँ बच्चा ठीक है। मैं फंस गया हूँ। क्या पैर हिल रहा है? नहीं मेरी फिक्र मत करो, पुलिस के आने से पहले बच्चे को यहाँ से ले जाओ। कहाँ? तुम्हारे घर। लेकिन तुम्हें इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकते। बीवी ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा। जाओ जाओ ले जाओ इसे। मैं थोड़े दिनों में निकल आऊंगा। सुनो मामू लोग कभी भी इधर पहुँच जाएंगे। देखो निकलो यहाँ से। हेलो कंट्रोल रूम, ग्रीन हिल पर एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी एम्बुलेंस भेजो और फायर ब्रिगेड भी जल्दी। ओवर। मुझे बच्चा हर हाल में चाहिए, अगर नहीं ला पाए तो अपनी मैयत की तैयारी कर लेना। जी बॉस। क्या चाहिए तेरे को? बोलना मेरे बाप। तू खेल ना इसके साथ। तू खेल उसके साथ। अरे तू खेल, देख तू देख रहा है, देख तू खेल इसके साथ। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तू खेल ना उसके साथ। अरे कुछ तो कर। अबे ढक्कन ये क्या कर रहा है? सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या। अबे तो इसे मार डालेगा। तो क्या करे? खिड़कियां बंद करने दे, हेलन जी उठ जाएंगी। कुछ बोलेगा तुझे क्या चाहिए? अरे रे रे ये तू क्या कर रहा है? इसका दम घुट जाएगा। अरे हवा घुसने के लिए गैप तो छोड़ा है ना, कितनी जोर से रो रहा है ये बच्चा है, इतनी घुटन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आवाज दबाने के लिए मैंने ये तकिया रखा है। इससे ये बच्चा मर जाएगा। ये तो चुप हो गया। वापस करें क्या? बंद हो गया। फिर से बंद। ओ बू बू करते रहो बबलू। ओ बू वाह वाह। ठीक है बस यही करता रहे बबलू। और हु हाँ सही है, लगे रहो जैकी भाई। दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? अरे हेलन जी आपका भाई। आजा बच्चे मुसीबत आ गई। मैंने किसी बच्चे की आवाज सुनी, कोई बच्चा है क्या यहाँ? सुनो कोई बच्चा है क्या यहाँ? नहीं नहीं। अपने मुंह मत दिखा, ठीक से छुपा। मैंने फिर आवाज सुनी। मेरा नन्ना मुन्ना बेबी कहाँ है? आपकी गोद में और कहाँ?
इसे कहीं छुपा दो। तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? ओह हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो कहाँ है? मेरे हस्बैंड? अब वो काम से गया है। काम से? कहाँ? कब तक के लिए? बैंकॉक। एक हफ्ता नहीं, एक महीना। एक महीना? वो मेरे बिना नहीं रह सकते। रुक जाओ, रुको। हेलन जी, आपका मुन्ना। हेलन जी, वो गुरु एक आध महीने के लिए थोड़ी ना गए हैं। वो तो बस दो तीन दिन के लिए गए हैं, बड़े बिजनेस डील के लिए। लौट आएंगे एक दो दिन में। कुछ बताया तो था। कितनी गंदगी है यहाँ पर। चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ, मैं इसे साफ करता हूँ। और ये कपड़े के? मैं धो देता हूँ। आप इधर आइए ना, आप चिंता क्यों करती हैं? सारे काम हम कर देंगे। आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट। बबलू कहाँ है? अब रोक इसे, वहां से बाहर निकाल, जल्दी कर। मत रो मेरे बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। देखो ये सारी खाने पीने की चीजें हैं। दिमाग खराब मत कर। ये ले लो, ताजा मुर्गी का चिकन। चिकन चिकन चिकन। इसके सर पे ये मार के इसको बेहोश कर देना क्या? इसको बियर पिलाते हैं, टाइट होके सो जाएगा यार, इसको चुप करा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा। ये तो चुप हो गया। लकड़ी की गाते रहे कुछ भी गाते रहे, बस इसको चुप करा। ये रोना नीचे, मेरा दिमाग खराब होता है। चल कुछ गा। कटोरा लेके मैं रोड पे जम जाऊं, रोड पे तीन दिन तक जम के भीख मांगू। हस बबलू, हस बबलू, हस हस हस। ए सिग्नल, भीख का सिग्नल। क्या भंगार गाता है तू? अच्छा तो तू गाना। हाँ ठीक है, पहला मिठुन का स्टाइल तो मार लू। I am a kung fu fighter. I am a kung. अबे सुन ले, अबे सुन ले। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे पापा के घर से, तेरी मम्मी के घर से। मसल दिखला जा, हड्डी तुड़वा जा। एक बार मैं बोलता हूँ कि तू सो जा मेरे बाप, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखा जो तुझे यार, चल का आंखों से प्यार आ रहा, जीने का मजा रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। और अभी अभी मिली खबरों के अनुसार मिनी जेटली के हिल रोड बंगलों में कुछ लोगों ने घुसकर उनके बच्चे का अपहरण कर लिया है। अरे कोई है, कोई है, मुझ पर मेहरबानी करो। चल पाया है, कोई है यहाँ? जैकी मैं गुरु, इसी वक्त टीवी ऑन करो, न्यूज लगाओ जल्दी। मेरा दोस्त, इस साल जेटली परिवार की कुल संपत्ति लगभग 5,500 करोड़ तक पहुंची है। वो इस वक्त एशिया के सबसे अमीर दंपतियों में से एक हैं। देखा, ये कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं है, अरबों की वारिस है। अब मैं इसके ज्यादा दाम मांगूंगा, बस मुझे बाहर निकलने दो। हाँ पर तुम बाहर कब निकलोगे? ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, ड्राइविंग का केस है तो दो हफ्ते से ज्यादा नहीं है। और इस बच्चे की रखवाली कौन करेगा? तुम दोनों और कौन, बोलना नहीं किसी को, मैं रखता हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। तो इस बच्चे के साथ एक हफ्ता मर गया। अरे इसे चुप करा। मैं कैसे चुप करा, मेरी मदद कर। ए जाकी रुक। अरे कुप्ची में आ जा, जल्दी कोई नहीं देख रहा है, घुस जा। चुप चुप, जल्दी चल इसकी चटनी निकाल। रात को इसने इतना खाया भी नहीं था, तो इतना सारा निकला कैसे? मेरे मुन्ने ला जा, खा ले खा ले खा ले। यम 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 यम। कितने महीने का है? क्या कहा? उम्र। इसकी उम्र क्या है? अब 5-6 महीने का होगा ना? और इसका पापा कौन है? ये है, ये है। ओ, समझ गई, आजकल कॉमन है ये। मासी जी, मैं कांता बहन थोड़ी ना हूँ। पर तुम मर्द लोग ना बड़े ही लापरवाह होते हो। अब ये देखो, ये तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं, 3 साल के बच्चे के लिए है। और
और देखो इसमें अजीनो मोटो है जो तुम्हें नहीं देना चाहिए, और ये ज्यादा ही बड़ा है, सारा सुसु फिचक हो जाता है इसमें से। ओ, और ये औरतों के लिए है। हमें क्या मालूम, हम तो मर्द हैं ना। टाइम पास मत कीजिए, बिल बनाइए ना। टाइम पास नहीं कर रही हूँ, अब बाप बने हो तो जिम्मेदारी भी उठाओ। थोड़ी मदद लेने में कोई बुराई नहीं, बच्चे की जरूरत को समझो। और ये लो तुम इसे पढ़ो, और तुम भी पढ़ो इसे। हाँ, पर जरा जल्दी। और ये तुम्हें क्यों चाहिए, इसकी क्या जरूरत है तुम्हें? ये क्या है? एक पर वाला है और एक बिना पर वाला, एक रात के लिए और एक दिन के लिए। नहीं, मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं। हाँ, आप उनको भी नहीं मानता। ये लो, दूध पिला दो जल्दी। ठीक है, ये ले पीले। अबे ये कुछ ज्यादा ही गाढ़ा है। क्या हुआ, चल पता करते हैं। लादे, जच्चा बच्चा ट्रेनिंग क्लास है, तू लेफ्ट जा, अपुन राइट को जाता है। ठीक है। अरे इसे तो लो। थैंक्स। आपको उस तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया। मेरी मदद करेंगी प्लीज? 1 2 3। अब आप सब लोग सीधे बैठ जाओ। मैं समझा नहीं, जरा फिर से दिखाएंगे प्लीज। ओके, आप सब कंटिन्यू करो। हाँ, घर जाके अपनी बीवी से ये एक्सरसाइज ऐसे करो ना। हाँ, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, अपनी जांघों और कुल्ले को पूरी तरह टाइट और सीधा रखना। अच्छा, इस तरह से क्या? हाँ, सीधा है ना, ये तो सही लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह है ना, बिल्कुल स्ट्रेट। ये मस्त है सच्ची। कितने महीने का है ये? ओह, शायद 5 या 6 महीने का। हाँ। 5 महीने का बिल्कुल नहीं लगता ना। हाँ, अंदाजन। मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी तो ऑफिस गई है। इसे अकेले संभालते हो? हाँ। आप यहाँ की नहीं लगती? नहीं, मैं सिक्किम से हूँ, यहाँ हॉस्पिटल में नर्सिंग सीखने के लिए आई हूँ। खासकर अपन।
ये तो चमत्कार है। हाँ रिया, मैं जो काम बोला था वो हो गया क्या? चल जान दे, तबीयत ठीक नहीं है तो मत जा। मैं उसको वापस फोन करूं क्या? क्या बहुत ज्यादा गुस्से में बोला मैं? हाय दिस इज रिया, मैं इस वक्त बिजी हूँ, प्लीज बीप के बाद मैसेज छोड़ दीजिए, थैंक यू। क्या एंथनी? ए जैकी, बहुत दिन बाद दिखा। हाँ हाँ, बोली से। अबे हट। अरे बबलू चुप हो जा। अच्छा बस, मैं नहीं खेलता। ए बच्चे को लेके दफा हो जा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, बच्चे को भी जुआरी बनाएगा क्या? बच्चे की जरूरत को समझो, अब बाप बने हो तो जिम्मेदारी भी उठाओ। तुम मर्द लोग ना बड़े ही लापरवाह होते हो। अच्छा ठीक है, अपने को नहीं खेलना, अपन जा रहा है। अरे ये क्या, कंगाल हो गया इतना जल्दी? अरे नहीं यार, बबलू को अपना खेलना पसंद नहीं है। अच्छा अब कभी नहीं आऊंगा, खुश। बॉस पता नहीं गुरु कहाँ चला गया, सारी रात उसे फोन लगाता रहा पर उसने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन मैंने जबान दी है तो समझो काम हो जाएगा। मुझे वो बच्चा चाहिए। नहीं, दरवाजा खोलो। कैसी जगह है ये, कितनी ठंड है, मैं तो मर जाऊंगा। गुरु के दो चेले हैं, बंटी और जैकी। बॉस मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। बंटी और जैकी, उन दोनों को यहाँ घसीट लो। बॉस से कहना हमें जाके मिल गया है। वेरी गुड, अब हम डायपर बदलना सीखेंगे। इसको इस तरफ से खींचो और ऐसे। बोरा सुन बे, तू ही जाके है ना, बच्चा शेट्टी को दे दे इस तरह से। कैसा बच्चा? जिसे गुरु और तूने उड़ाया था। अब ये जरा बबलू को संभाल। हे रुको, अपुन किसी गुरु को नहीं। होशियारी मत दिखा। क्या और अला भाई लोग, ये किसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं। अरे बच्चा तो मैं भी है, मेरे को ढूंढने ले क्या? तू बच्चा है अब भी दे। कृष्ण नहीं बन सकता रे। जल्दी खोले। अरे क्या बोला उसने, मुझे क्या मालूम, अब चलो यहां से निकलो। याद रहना छोटे। हाँ, आप बेल बजाएगा, दरवाजा खुलते ही अपन पेंट बजाएगा। बिल्कुल ठोबड़े पे मारना। हाँ, 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 हाँ। अबे रो।
बच गई। सुन बे जैकी, ये औरतों और बच्चों के पीछे छुपना बंद कर। क्या पैसे नहीं देगा तो बचेगा नहीं। जैकी घर पर नहीं है। देखो अपन इस जैकी से मिले बिना बिल्कुल नहीं जाएगा। आप बाद में आइए। बाद में नहीं आएगा, अपन इधर ही इंतजार करेगा। कैसा है बहन? रुको, इधर तो कोई नहीं। जेन मुझे डर लग रहा है। रिया, अबॉर्शन कराने से तो बात करना बेहतर है। बंटी मेरी एक नहीं सुनेगा। कम से कम उसे अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट तो दिखा, देख क्या बोलता है। रो मत, पापा आते ही होंगे। आई। कौन चाहिए आपको? बंटी से मिलना था। वो घर पर नहीं है, बाद में आएंगी। अच्छा ठीक है, आ जाइए। निकल, घर पे जाके देख बच्चा ठीक तो है। ठीक है। अब क्या हुआ तुम्हें? दांत दुख रहा है। ये अरे, ये बंटी भाग क्यों गया? उससे टॉयलेट जाना था, प्रेशर आया। अच्छा, तो तुम यहीं रहते हो? तो चलो वहीं चलकर बातें करते हैं। सुनिए, अबे ए बंटी, बता जैकी किधर है? क्या अरे तू इधर कैसे? बता यार, मैं तेरे लिए कितना मैसेज छोड़ा तेरे को मालूम है क्या? चल दफा हो जा, और तुम दोनों से बाद में बात करेगा। ए तू इधर चल। बबलू मेरे कमरे में है क्या? हाँ, पर ये लोग कौन है? जान दे, वो लोग मिस्त्री होंगे। पर ओ, मेरे घर का हुलिया जरा ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, ये सब क्या गिरा है? ओ, पेंटिंग चल रही है ना, उसी का कलर सिलेक्ट कर रहे हैं। अरे रिया, क्या हुआ? मैं तो निकलता हूँ, तुम इनसे बात कर लो। क्या प्रॉब्लम है मैडम? जरा मुझे भी अंदर आने दीजिए। अबे जैकी टूट गई। पुलिस आपकी हर कीमत पर मदद करेगी। घर पे पुलिस वाला है, छत पे चलते हैं। आराम से बैठिए और मुझे सब कुछ बताइए। सॉरी, मैं आपका परिचय करवा दूं। ये मेरे अच्छे दोस्त इंस्पेक्टर रॉकी हैं, और ये मेरे चचेरे भाई ब्लैकी और रेड्डी हैं। हेलो हेलो। वो क्या है ना कि अपुन जरा इस फ्लैट को पेंटिंग विंटिंग करने को आए ले। तुम्हारा चेहरा मेहंदी रंग लाई ना। यहाँ ये सब बच्चे का सामान क्या? जरा साइड में आइए। आप बंटी को तो जानते हैं ना, लफंगा है लफंगा। न जाने कितनी लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया है उसने, और यहाँ एक को तो प्रेग्नेंट कर दिया। अब आप ही बताइए कहाँ जाएगी अपना। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कहाँ है वो? टॉयलेट में, पाप धो रहा होगा। ओ, मुझे भी जाना है। आपको भी? जैकी, एक चोरी के बारे में पूछना भी था। उसने ये सब काम पक्का छोड़ दिया। बंटी जल्दी कर, इंस्पेक्टर साहब को कुछ पूछना है। हाथ धो और बाहर आओ। मत खाया करें। इतनी देर कर क्या रहे थे? आप जाइए ना। नहीं, बस बस अभी नहीं। यहाँ पर भी कोई है क्या? बात कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा दूसरा चचेरा भाई है, शेट्टी। हाँ, मैं बड़ा हूँ। ठीक है, चलो इन सब भाइयों के साथ मिलकर बात करते हैं। अरे तो साथ में जाना। क्या कभी मिले नहीं क्या? हाँ मिले हैं ना ये लोग। बंटी सल्टा अपना मैटर। तू भी तक इधर ही चल, मेरे को तलाक चाहिए। ये क्या है? मेरे को तलाक की अर्जी चाहिए, फालतू पर्ची नहीं। बंटी, मामला काफी पेचीदा है। बिल्कुल।
हाँ पेचीदा है ना जैकी, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे भाई अलग अलग नस्ल के हैं। मेरे डैड अशिप पे थे इसलिए परिवार बिखरा हुआ है। क्या मतलब तू रिश्ते में इसका भाई हुआ, ये कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है इसके दादाजी भी शिप पे थे। हो सकता है कि इसके दादाजी भी हो। क्या हुआ? जैकी, मेरी गर्दन हमेशा झटके खाती रहती है। हाँ पर क्यों? तुम्हें क्या हुआ? अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा हार्ट फट जाएगा। अरे इसमें तो बच्चा है। जैकी, बचाओ! जैकी, उधर क्या बैठे हो? हाथ दो। अरे अपुन का हाथ जरा बिजी है। मैं तो मुंह से खींचू क्या? ये ले पकड़ और सटा। बंटी, तुम बच नहीं पाओगे। जैकी, अब तुम मेरे साथ थाने चलोगे। जल्दी करो। बाबा इधर भी आ गए। वो अंदर है, पकड़ लो उन्हें। इंस्पेक्टर, थाने में आके बताना। अपुन खुद आकर सरेंडर करेगा इंस्पेक्टर? बिल्कुल नहीं। सॉरी, लगे तो नहीं? अभी बताता हूँ। चाकी रुक। चाकी, ओ। जोर का झटका, धीरे से। छोड़ूंगा नहीं। बंटी, तेरा फास्टर है। सॉरी भाई, माफ करना। अबे उठ, फाल ट्रक के पीछे। Thank you.
डर मत, मैं पुलिस वाला हूँ, उसका पीछा कर। मैं नहीं कर सकती, मेरे पास कच्चा लाइसेंस है, मैं नहीं। ये तो फिकर मत कर, मैं कमिश्नर को बोल के तेरा पक्का लाइसेंस बनवा देगा, बस उसका पीछा कर। तू बाइक चलाना किधर से सीखी? एकदम झका वीडियो गेम से। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, जरूर ये हमारी ट्रक को रुकाकर हमें लूटना चाहते हैं। क्या बात कर रहा, डरा रहा है क्या? उड़ा दूं उन्हें? घबराओ मत, कंट्रोल रूम से कहो पुलिस भेजे। ठीक है, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। देखिए कोई हमारा पीछा कर रहा है, शायद गुंडे हैं, जल्दी से मदद भेजिए ना। अबे गधे गाड़ी रोक। क्या तूने मुझे गधा कहा? जा, नहीं रुकता, जा। क्या जोश है? सब ठीक है, लगता है वो चोर लोग भाग गए। क्या मर्दानगी दिखाई है तुमने? ये सब दूध का कमाल है, मैं तो सिर्फ गुड़ खाता हूँ। ए छोटे, मैं एक इंस्पेक्टर है, मेरे को तेरी साइकिल चाहिए। ए चल बे, फेंक मत। तेरी माँ ने तमीज नहीं सिखाई क्या? सब कुछ कंट्रोल में है, आप बस कांटेक्ट में रहना। बाय। मेरे सारे कर्जे चुका दिए? डैड, जैकी के सारे कर्ज चुका देते हैं। डैड ये लीजिए और इन्हें बेच दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डैड क्या क्या तुमने इसके साथ? ये तो मर गया है।
बॉस, आपको मेरा इंतजार तो करना था। हम जमान के पक्के हैं, मुकरते नहीं। जो बोलते हैं करके दिखाते हैं, कभी वादा नहीं तोड़ते हैं। सचमुच कभी नहीं, हम ऐसे ही हैं। हाँ, सिर्फ 30 करोड़। 30 करोड़ बच्चे के लिए इससे ज्यादा एक पाई नहीं मिलेगी। अजी पैसा क्या चीज है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपका सौदा मंजूर है। जैकी, तुम कब आए? ये बच्चा किसका है और ये रो क्यों रहा है? जरा देखना उसे क्या हुआ। ठीक है। ओ, ये इतना रो क्यों रहा है? इसके कपड़े गीले हैं और इसे बुखार भी है। क्या, इसे बुखार है? हाँ। अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर को दिखाओ। और क्या, डॉक्टर को दिखाओ। लो पकड़ो इसे, जल्दी हॉस्पिटल जाओ। जैकी गुरु, बाहर आ गए? हाँ, निकल आया। ओह शुक्र है। अभी किधर हो तुम? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? वो क्यों? बबलू बीमार है। क्या, तो बंटी को भी बोलना वही आए। ठीक है। जैकी संभल कर डैड। डैड को क्या हुआ? हार्ट अटैक। तुम्हें फोन तो किया था पर तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। इसे यहाँ लाकर अच्छा किया। वो मैं जैकी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने इसकी जान बचाई है, जितना तुमने किया है कोई नहीं करता। हाँ, ये लो। शुक्रिया। यहीं रुको, मैं प्रिस्क्रिप्शन लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वेट करता हूँ। हाँ आ जाओ जल्दी आओ। मैंने नया सौदा तय किया है, वो भी जानते हो कितने में? पूरे 30 करोड़। हम तीनों के 10 करोड़ तुम्हारे और 10 करोड़ तुम्हारे भी। ओके, ये रहा एडवांस, पूरे 5 करोड़। अब हम सबको बच्चा उसके हवाले करना और फिर 25 करोड़ अंदर। इसको बाद में दवाई दे देना। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे बुखार नहीं है। है तो तुम्हें इस बच्चे से लगाव हो गया है? अरे छोड़ो भी, जानते हो ये क्या है? 3 फरारी। अब बताओ, तुम इससे अपना कसीनो नहीं बनाओगे? बनाओगे ना? हाँ बोलो बोलो। हाँ मेरे से प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। आपको जो चाहिए दे देंगे, कुछ भी प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ। बंद करो इसे। 30 करोड़ रुपया, वो भी एक बच्चे के लिए जिसे हम उसके दादा को दे रहे हैं। मेरे को जरा कुछ काम है। अरे ये अब जरा उस पैसे के बारे में तो सोचो, ये बच्चा उसी फैमिली में तो जा रहा है, बच्चे के लिए यही ठीक रहेगा। क्यों? नए टाइप का ब्रेड है जी, रीजन ब्रेड, आटा भी मैदा भी, सिर्फ 20 रुपए में। ये लीजिए मैडम, ट्राई कीजिए। वहाँ खड़े होके धीरे धीरे क्या बात कर रही हो, जोर से बात करो, बोलो। हेलो, नया रीजन ब्रेड, आटा भी मैदा भी, सिर्फ 20 रुपए में। ट्राई कीजिए एक बार, फिर बार बार चखेंगे, सिर्फ 20 रुपए में। ट्राई कीजिए प्लीज सर, मैडम
एक बार। जी हाँ सर, 20 रुपए में है। हाय रिया, मेरे को माफ कर दे, मैं तेरे लायक नहीं रही। अपना ध्यान रखना। ये रहे आपके पति, मिल लीजिए। गुरु, रो क्यों रही हो? तुमने हॉस्पिटल से फोन क्यों किया था? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये तुम्हारे चश्मे को क्या हुआ? वो आते आते एक बाइक वाले ने मुझे ठोक दिया, बस कांच टूट गई है। एक काम करना, कल आते आते मेरे लिए एक नया चश्मा ले आना। अब मेरी छोड़ो और आंखें बंद करो। थोड़ा इधर आ, इधर आ, आहा। तुम तैयार हो ना? तुम्हारे लिए खास तोहफा लाया हूँ, बंद रखना के बंद। अब हाथ नीचे करो, दूसरा वाला। हाँ आंखें खोलो। आहिस्ता वरना बच्चा डर जाएगा। हाँ देखो बाबा, कितना प्यारा बच्चा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रो मत। सुनो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना? नहीं, तुमने इस बूढ़े की झोली हमेशा खुशियों से भरी है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो। रो मत, रोगी तो बच्चा भी रोने लगेगा। हाँ चुप हो जाओ। मेरा प्यारा बच्चा। जानती हो, कल बबलू चला जाएगा वहीं जहां उसे होना चाहिए। बच्चों की जिंदगी भी मजेदार होती है। खाओ पियो सो और सुसु करो, कोई टेंशन नहीं, कोई पंगा नहीं, क्यों है ना? हाँ ठीक कहा। तुम जानती हो मैं क्या हूं, फिर भी मुझसे इतनी हमदर्दी? मैं इसके काबिल नहीं हूं। एक्चुअली जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। जिंदगी की नई शुरुआत क्यों नहीं करते, ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत देर हो चुकी है। गलत, देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो इसी पल से शुरू कर सकते हो, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। सुनो, मेरा यकीन करो, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मम्मा मम्मा, ए जैकी इसको देखना। बस कर यार। मम्मा पापा पापा पापा, हाँ ए जैकी, इसका असली नाम क्या होएगा? जानकर क्या करेंगे, मैं बस सोच रहा है क्या होएगा इसका। तेरे को क्या लगता है क्या होएगा? करो, पैसे मिल गए, बच्चे को यहां ले आओ।
मार मिलो राम। दरवाजा खोलो। कहाँ है बच्चा? हमारे हवाले कर दो उसे। पूरे 25 करोड़ मेरे हाथ में है, बच्चे को यहाँ ले आओ। चलो बच्चा मुझे दे दो। देख भाई, इसको हर 4 घंटे में दूध पिलाने का समझा क्या? लेकिन ज्यादा गर्म नहीं, पहला चेक कर लेने का, नहीं तो इसका मुंह जल जाएगा। और हाँ, इसको मौसमी का जूस भी देने का और फ्रूट वगैरह एकदम पीस के देने का। वो क्या कि ये बच्चा, इसका दांत नहीं है ना, और अगर कुछ सख्त देने का तो पहला खुद से चबाने का, उसके बाद इसको देने का। मेरी बात सुन, देख बच्चे को बाएं हाथ से उठाना वरना रोएगा ये। दोपहर को कांजी बना कर देना, इसे चिकन खाने की भी आदत है। हाँ लेकिन कीमा बनाकर, और क्या था, हाँ इसे खिलौने बहुत पसंद है। ठीक है बच्चे को दे दो ना यार, अब दे भी दो उसे। हाँ जरा ध्यान से संभल कर। हाँ ठीक है भाई, इसकी बाटली भी ले ले, और दूध ज्यादा गर्म करके देने का, नहीं तो इसका मुंह जल जाएगा भाई। बस बहुत हो गया, चलो फुट लो यहाँ से। मुंह क्या देख रहा है, चल निकल यहाँ से, चल फुट। गुरु एक मिनट, उसे रुलाओ मत। कुछ नहीं होगा उसे, देखो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उसको अपने दादाजी के पास ले जा रहे हैं। तुम बस अपनी फरारी और कैसीनो के बारे में सोचो। चलो भाई, यही तो तुम लोगों का सपना था।
जल्दी जाओ, जाकर उस बच्चे को ले आओ। यस सर। ये मशीन किस येड़े ने बनाई है? ये लीजिए बॉस। ओह देखो तो कितना प्यारा बच्चा है। अब तुम अपने दादा के साथ रहोगे, अपने दादा जैसा बनोगे, हैं?
ठीक कहा, इस बच्चे को खूब समझते हो और अपने इनाम का पैसा भी जोड़ दिया, पर अब ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। अगर जिंदा रहना है तो निकल जाओ यहां से। एक बार हंस दो बेटा, हंसो, आप तो मेरे पोते हो, है ना? और जैसे ही ये रिपोर्ट से साबित हो जाएगा हम ब्राजील चले जाएंगे। हम ये तुम गलत कर रहे हो। मैं अपने पोते के साथ रहना चाहता हूं, तो इसमें गलत क्या है? तुम बबलू को उसके माँ बाप से अलग नहीं कर सकते। अच्छा, और मेरे बेटे की मौत का क्या? छोटा सा था जब उसकी मां गुजर गई, मैंने उसे उसका अम्यूजमेंट पार्क देने का वादा किया था, जिसको देखने के लिए वो जिंदा ही नहीं है। वो तो घर बसाना चाहता था, पर वो डायन उसे खा गई। एक बेटा खो चुका हूं मैं, समझे? अब पोते को हरगिज नहीं खोना चाहता। मेरे जीने का एक ही सहारा है ये मेरा पोता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो सोचो इसकी मां का, उस पे क्या बीत रही होगी, क्यों अलग किया इनको। और अगर ये तेरा पोता ना हुआ तो क्या? रिपोर्ट आ गई सर। तुम जाओ। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? अपना मुंह बंद रख। बच्चा तो मिल गया। वो तुम्हारा खून नहीं, इनकी दवा ले आओ। आइए सर। संभालो इनको। पोता, मेरा पोता। आराम से सर। आइए इस तरफ, इस तरफ। अपना पैसा लो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं इस जगह को बर्फ का मकबरा बना दूंगा।
दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा, बर्फीला मकबरा, बहुत बड़ा। अबे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, तू बबलू को देख जा, निकम्मा कहीं का। पूछ रहा था क्या हुआ, पड़ी ना तुझे भी जोर की। क्या अब्बास मस्तान की जोड़ी है? तुम दोनों अब तक यही हो, मार के भगाओ इन्हें। रुक जा। Yeah!
जान बची। ये दरवाजा कैसा खुलेगा मेरे को मालूम नहीं। जाकी ये दरवाजा सिर्फ बाहर से खुल सकता है। तो उसे ढूंढो और खुलवाओ। कोई फायदा नहीं, वो पागल हो चुके हैं। गुरु अब तुम ही खोल सकते हो, खोलो इसे। कैसे? ये तो स्विट्जरलैंड का सबसे महंगा सिस्टम है। 40 लाख कॉम्बिनेशन है और 8 लेयर जो सिर्फ CIA के पास है। वो सब मैं नहीं जानता, तुम कोशिश तो करो, तब तक मैं पुलिस को बुलाता हूँ। निकलो यहाँ से। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, तुम सब गिरफ्तार किए जाते हो। हिलो मत, बहुत आवाजें आ रही हैं। मशीन को बंद करो। और वो फ्रिज भी, सुना ना, फ्रिज भी। यस सर। फैन भी बंद करो। कर दो जी। अब सांस बंद करो सब लोग। हम सब लोग? हाँ, सांस बंद करो। ओके, सांस रोको। खुलना तो चाहिए था। खुल जाएगा। अरे जबरदस्ती मत खोलो, इसे तो अपने आप खुलना चाहिए। हाँ देखो, शायद इसलिए जाम है। अरे इस टूटे प्लग का इस बेजोड़ सिस्टम से क्या लेना देना है। इतना टाइम क्यों लगा? इसे बचाओ, बबलू को बचाओ। मेरी सजा कम कर देना। हाँ ठीक है, कर दूंगा। हाँ?
कहाँ चली गई? नहीं नहीं बबलू, जल्दी दरवाजा खोल, चालू कर बबलू, आंखें खोल, मुन्ना आंखें खोल मुन्ना, चलो 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 चलो, प्लीज प्लीज, तू इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता मुन्ना, क्या कर दिया बबलू, आगे कर मुन्ना, आगे कर, आगे कर मुन्ना, आगे बैटरी निकाल, करंट चाहिए, बैटरी पीछे होगी, खोता हूं, ले जाओ इन्हें, सारे रास्ते बंद कर दो, कोई जाने ना पाए। हे बबलू, 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 रुको, जाने दो, सब ठीक है। इसके बचने की उम्मीद कम है, चलो जल्दी करो। Oh, my God.
Hands up. सुना नहीं तुमने? अपने हाथ ऊपर कर लो। रॉकी, घर आ जाओ बेटा। देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। रॉकी, पकड़ो इसे, इसे गिरफ्तार कर लो। हेलेन, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है, पर अब जाना कि मैं कितना गलत था। अगले जन्म में भी तुम्हारा साथ चाहिए, तुम ही मेरी बीवी बनना। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे। आई लव यू। ऐसा एक सेकंड नहीं गुजरा जब मैं तेरे को याद नहीं किया। कितना तकलीफ दिया मैं तेरे को, लेकिन बदले में तू सिर्फ प्यार किया। अगर जिंदगी मेरे को एक मौका और देना तो तेरे लिए जान भी दे देगा। डैड, अपन को माफ करना। अखा लाइफ अपन तुमको दुख दिया। सोचा था पैसे कमाऊंगा तो इज्जत मिलेगी और आप भी अपन को लाइक करेंगे, पर अपन कितना गलत था। आज अपन को इस बात का एहसास है कि आप हमेशा से ही सही थे। लव यू डैड। अलविदा। हेलेन, मैं अपने सारे बच्चों को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी खुशियाँ नहीं दे पाया। मुझे माफ कर देना। आपके पापों को गॉड माफ करे। इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, आमीन। हमारे अपने बच्चे होंगे, अपने प्यार की निशानियाँ। रेडी फायर। उन दिनों कानून बड़ी सख्ती से सजाए मौत का हुक्म जारी किया करता था, लेकिन सिर्फ उन मुजरिमों के लिए जिन्होंने बहुत ही संगीन जुर्म किया हो। आपने अभी अभी जो देखा वो सजाए मौत के कुछ नमूने थे। उम्मीद है ये आपकी मदद आज के कानून को समझने में करेगा। जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू। रिफ्रेशमेंट उस तरफ है। आप सबका धन्यवाद। हे, कैसे हो तुम लोग? क्या एक्टिंग की जैकी, बहुत खूब। ओह हेलेन, बहुत अच्छी लगी तुम्हारे दिल की बात। वो सिर्फ एक्टिंग था। हाँ, और जो तुमने आई लव यू कहा था वो एकदम असली था। चलो बताए, मैंने 10 बच्चे गोद लिए हैं, एक वेस्ट इंडियन, 2 ऑस्ट्रेलियन और अब एक इंडियन बच्चा भी गोद ले लेंगे। हाँ, आराम से चल और ला ये बैग दे, मैं पकड़ता हूँ इसको। देख रिया, ऐसा थोबड़ा बना के रहेगी तो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ भी मत कहो, डॉक्टर ने कहा बच्चा बिल्कुल मजे में है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है। मर्द या औरत? अब मेरे डॉक्टर पे तो शक मत करो, मुझे तो लगा था तुम सुधर गए हो। भूल गए? आजाद रहो। देखना अपन भी इधर फुल आजाद है। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया पटा दादा, मेरे डैड का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, यहाँ पहली बार थोड़ी ना आया हूँ, पर वापस नहीं आऊँगा इसकी गारंटी है। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे नहीं, वो मैं अपने डैड से कह रहा था। जैकी। ओह हेलो। जैकी, खुशखबरी है, तुम लोगों की सजा कम कर दी गई है। थैंक यू। और कोई मिलने भी आया है? बबलू, बबलू, बबलू। आजा मेरा बच्चा, हमें माफी मांगने का मौका नहीं मिला, माफ कीजिए। नो प्लीज, सच बात तो ये है कि अगर आप नहीं होते तो ये भी नहीं होता। आपके लिए एक ऑफर है। कैसा? हमारे लिए काम करने का। क्या? तुम सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, तुम बॉडी गार्ड,
और तुम ड्राइवर। ये जॉब तो मेरे लिए ही बनी है। फेरारी चलाना है? अरे यही तो अपन का सपना था। तो नौकरी मंजूर है? हाँ हाँ। बाय बाय। अरे मेरा बच्चा। ओह हाँ हाँ। सॉरी, हम इसका असली नाम तो जानते ही नहीं है। बबलू रखा है। अब पहले इलायची था। हाँ इलायची। अलविदा। अबे आंखें ठीक से बंद नहीं की, रीटेक करना पड़ेगा। अबे लग गई। आप ठीक तो हैं? ये लीजिए सर, बहुत लगी क्या? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। फिर से लग गया आपको। ये पैसे मेरे हैं। मैं ठीक हूँ। लगता है हड्डी टूट गई। एक्सरे लेना पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलाओ। चलो काम पर लग जाए। देखो तो इसकी तरह। हाँ गधे को पूरी तरह फैला दो, ठीक है? अगर मैं गिरूं तो जमीन पर ना गिरूं। हाँ बहुत अच्छे, इस तरफ इस तरफ। अरे रोको रोको, अरे उतारो मुझे नीचे। आपको जो भी बात करनी मेरी सेक्रेटरी से कीजिए। सर सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चल रहा? सुनो, थोड़ी और शहद लगाओ। हाँ ये हुई ना बात। चिपक गया। कैसे हो जाके? अरे इंस्पेक्टर साहब, कितने दिनों बाद, कहाँ थे आप? आखिर तुम कब सुधरोगे? हाजिरी देने क्यों नहीं आए? हाजिरी? कैसी हाजिरी? भूल गए? कहाँ थी? बताया नहीं? तुम्हारे थाने में। धत तेरे की। अरे यार, इतनी ऊपर से छलांग मारी, ये वन टेक शॉट था। अब दोबारा ऊपर चढ़ना होगा, कूदना होगा। चलो दूसरे टेक की तैयारी करो।